प्लांट टिश्यूज जैसा कि हमने पढ़ा दो टाइप के हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मैंने आपको बताया कि ये इसको आप इमैच्योर बोल सकते हैं और इनको आप मैच्योर बोल सकते हैं। इमैच्योर और मैच्योर टिश्यूज दो नाम से आप इसे बुला सकते हैं। उसके अलावा और क्या डिफरेंशिएशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है? आप बोलते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज प्लांट के अंदर वो टिश्यूज हैं हु हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब आप समझिएगा, अगर डिवीजन की एबिलिटी है तो डिवीजन से क्या हो सकता है? मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कुछ इसकी लेंथ है, डिवीजन होकर इसकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है हाइट, और डिवाइड होकर इसकी गिर्थ बढ़ाई जा सकती है विड्थ डायमीटर। तो आप क्या बोल रहे हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं who has the ability to divide and they are responsible for increasing height of the plant mainly and increasing width of the plant, या फिर आप बोल दे diameter of the plant बुलाया जाता है। क्लियर बात ये? तो meristematic tissue में आप क्या बोल रहे हैं? These tissues have cells, all the cells able to divide, and thus responsible for growth of the plant. कैसे? फॉर इंक्रीजिंग हाइट एंड गिर्थ। गिर्थ को आप डायमीटर या विड्थ बोल देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप? मेरिस्टमैटिक टिश्यू वो हैं जिनमें सारे सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, और सारे सेल अगर डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि उनके अंदर आप क्या बोल रहे हैं, कि अगर सारे सेल डिवाइड कर सकते हैं तो उनको आप मेरिस्टमैटिक बोल रहे हो, और डिवीजन करके दो काम करेंगे, या तो प्लांट की हाइट बढ़ाएंगे या फिर उसका गिर्थ या डायमीटर इंक्रीज करने का काम करेंगे। ये आप बेसिकली रोल किसका बोल रहे हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का। इसके अपोजिट अगर आपको कहूं कि दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज की अगर बात करें आप, तो दीज आर मैच्योर टिश्यूज विल डेफिनेटली डू, आप बोल सकते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एंड सो दीज आर अनडिवाइडिंग सेल्स, दो सेल्स हु आर अनेबल टू डिवाइड, these are mature tissues in which cells unable to divide and these perform special function. स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने का ये काम करेंगे, तो इन्हें आप बोल रहे हैं कि ये परमानेंट टिश्यूज बुलाया जा रहा है। क्लियर? तो आप इसको परमानेंट टिश्यू के नाम से बुला। क्लियर? उसके बाद हम देखो मेरिस्टमैटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू में कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर इसके अंदर कि इन टिश्यूज में जितने भी सेल्स होंगे दे डिवाइड वेरी रैपिडली,
और आप समझते हैं डिवीजन बहुत तेज होने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में मेटाबॉलिक रेट भी होना चाहिए, रेस्पिरेशन तेज होना चाहिए, उसके अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेसेस तेज होनी चाहिए, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सेल्स में वो फास्ट होना चाहिए। मींस इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू में रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेज होता है क्योंकि फटाफट फटाफट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी डिवीजन करवाने के लिए। साथ में इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, इनमें किसी तरह का वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। तो एक तो क्या बोल रहा हूं मैं, दीज टिश्यूज हैव रैपिड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर प्रॉपर एनर्जी सप्लाई फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए प्रॉपर एनर्जी सप्लाई हो उसके लिए रैपिड मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। उसके बाद जो है इन सेल्स की एक खास बात क्या है, दे आइदर लैक्स वैक्यूल, वैक्यूल जो होते हैं उनको या तो लैक करते होते ही नहीं है, और प्रेजेंट इन वेरी डिमिनाइज्ड फॉर्म, बहुत छोटे होंगे अगर हुए तो, ना के बराबर बोल ले आप। अब ये सेल वैक्यूल क्यों लॉस करते हैं, आप शायद थोड़ा सा बिल्कुल चीजें ध्यान कर लें कि वैक्यूल पहली बात तो पता ही होना चाहिए क्या होता है। जो भी एक प्लांट सेल होता है उस प्लांट सेल के अंदर एक पूरी सेल ऑर्गेनेल होती है जो लगभग 80-90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल होती है, मतलब प्लांट सेल का इतना वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई करती है, और इसे आप क्या बुला रहे हैं वैक्यूल। काम क्या करती है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड रिसोर्सेज, फूड को स्टोर करने का काम करती है। अब पहली बात कि यहां पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके अंदर किसी भी तरह का लगभग वैक्यूल क्या होता है एब्सेंट होगा, ऐसा बोलने का रीजन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर फास्ट मेटाबॉलिक रेट है, और अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो डेफिनेटली आप एक बात समझिए कि उसमें फूड को स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फूड स्टोर नहीं होगा, फटाफट यूटिलाइज होगा, बहुत जल्दी जितना भी फूड बनेगा या आएगा उतना फटाफट क्या होगा यूटिलाइज हो जाएगा, तो देयर इज नो नीड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। क्लियर बात ये, यहां पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज देयर इज नो नीड फॉर फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, फूड को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो आप जरा ध्यान रखिएगा मेरिस्टमेटिक टिश्यू के, कि रैपिड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा ताकि फटाफट एनर्जी बने जिससे सेल डिवीजन में आसानी हो, साथ में ये किसी तरह का वैक्यूल नहीं करते कंटेन, या बोलते हैं इनमें वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं अगर हुए भी तो, क्योंकि इन्हें फूड को स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसको आप निम्न में बुला देते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टर्स बोले जाते हैं।
कि ये करेक्टर है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के, तो आप इसके अंदर इस चीज को ध्यान रखिएगा करेक्टर क्या क्या होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के। क्लियर डन। अच्छा इसके बाद इसमें आगे इंपॉर्टेंट क्या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और मेरिस्टम। सीधे मेरिस्टम भी बोला जा सकता है। तो टाइप्स मेरिस्टमैटिक टिश्यू या मेरिस्टम के कौन से हैं? एक तो एपिकल मेरिस्टम, दूसरे हैं उन्हें बोल देते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम, और तीसरे बुलाए जाते हैं सेकेंडरी या इसको मैं सीधे बोलूं पहले लैटरल मेरिस्टम। अब तीनों में बिल्कुल ध्यान रखिएगा एक बात, क्या जो एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्राइमरी ग्रोथ करवाने वाला उसे आप बुलाएंगे प्राइमरी मेरिस्टम। सो बोथ दीज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम। अभी यही पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ किसको बोल रहे हो। प्लांट की जो हाइट वगैरह बढ़ाने का काम होगा, सिर्फ उसकी हाइट बढ़ना, डायमीटर ना बढ़ना, उसे प्राइमरी ग्रोथ बुलाते हैं, या उसमें रिपेयरिंग वगैरह करना, लेकिन उसकी मोटाई ना बढ़ना, उसकी सिर्फ हाइट बढ़ना, चाहे वो शूट की हाइट हो या रूट की हाइट हो, तो उसे आप बोल देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो इसको मैं सीधे बोलूं इंक्रीज इन ओनली हाइट ऑफ प्लांट, तो उसे आप प्राइमरी ग्रोथ बुलाते हैं, और जो प्राइमरी ग्रोथ करवाने वाले मेरिस्टम होंगे उन्हें आप बोल रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टम के नाम से। क्लियर। फिर उसके बाद लैटरल मेरिस्टम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम बिकॉज इट कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का काम करेगा, तो उसे सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, टू इंक्रीज डायमीटर ऑफ द प्लांट। प्लांट की हाइट तो इन्होंने बढ़ा दी जितनी बढ़नी थी, अब प्लांट का डायमीटर कौन बढ़ाएंगे, लैटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ मींस टू इंक्रीज गिर्थ, लिखा हो सकता है विड्थ और डायमीटर ऑफ द प्लांट। प्लांट की विड्थ गिर्थ और डायमीटर बढ़ाने वालों को आप क्या बुला रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम या लैटरल मेरिस्टम के नाम से आप इसे बुला देते हैं। तो ये इनका अगर आप रोल बोलेंगे तो ये मेरिस्टम बोला जा रहा है, कि आप किसे बोल रहे हैं,
प्राइमरी और किसे बोल रहे हैं सेकेंडरी, किस बेस पर बोल रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम, बेसिकली अगर आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद इसके अंदर फिर इनके रोल आते हैं कि क्या क्या ये रोल प्ले करते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, तो इनको जरा आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि किस तरह ये रोल अपना परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो पहला जो है एपिक, तो एपिकल मेरिस्टम सबसे पहला कौन है एपिकल मेरिस्टम? आप इसको बिल्कुल सिंपल ध्यान रखें कि एक जो पूरा प्लांट है, इस प्लांट के अंदर दो रीजन होते हैं, एक तो शूट और एक रीजन होता है रूट। किसी भी प्लांट में ये दो रीजन आपको देखने को मिलते हैं, एक शूट हो गया और एक रूट। तो जो रूट्स हैं उसकी टिप, जिसे मैं सिंपली बोल दूं रूट टिप, दूसरा है शूट पे भी ऐसे ही कुछ टिप रीजन होता है, इसे मैं बुला दूं अब शूट टिप। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि एपिकल मेरिस्टम क्या है, दैट पर्टिकुलर मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट एट द शूट टिप एंड रूट टिप, एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज शूट हाइट, यहां शूट की हाइट बढ़ाएगा और ये रूट की हाइट बढ़ाएगा। तो ये आप ऑल ओवर देखेंगे, तो शूट और रूट की अगर हाइट बढ़ी तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम, और उससे क्या हुआ, हाइट ऑफ प्लांट बढ़ी। ये पूरा प्लांट, ये शूट टिप, ये रूट टिप, शूट की हाइट बढ़ाएगा शूट टिप, रूट की हाइट बढ़ाएगा रूट टिप, तो ऑल ओवर हाइट ऑफ प्लांट क्या हुआ, एनहांस कर गया या इंक्रीज कर गया। तो ये कौन से टाइप का मेरिस्टम हुआ, एपिकल मेरिस्टम। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मेरिस्टम प्रेजेंट एट शूट टिप एंड रूट टिप। टू इंक्रीज हाइट ऑफ रूट एंड शूट विच अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। फाइनली प्लांट की हाइट को बढ़ा देने के लिए एपिकल मेरिस्टम का रोल आप पढ़ेंगे हमेशा, कि प्लांट की हाइट को बढ़ाने का ये बेसिकली काम करते हैं। उसके बाद इसके अंदर फिर अगला आता है, उसे बोल देते हैं आप इंटरकैलरी मेरिस्टम। वो क्या काम करेंगे, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम को भी आप थोड़ा सा देख लें। सेकंड इंटर कैलरी मेरिस्टम, इसका क्या रोल है, इसका रोल क्या है, मान लीजिए पूरा एक प्लांट है, मैं पूरा प्लांट अगर आपको बोल रहा हूं कि कोई भी एक पूरा प्लांट, उसके अंदर उसकी ब्रांचेस वगैरह हैं, उसके अंदर लीफ वगैरह प्रेजेंट हैं, सब है, पूरा एक प्लांट बुलाया जा रहा है। अब इस प्लांट के अंदर मान लीजिए, कई बार बिल्कुल आपको मैं इसमें एग्जाम्पल दूं, कई बार क्या होता है कि आप अगर कोई एक सॉइल है और उस पर बहुत सारी ग्रासेस हैं,
तो आपने देखा होगा कि कोई भी एनिमल आया ग्रासेस के ऊपर वाले पार्ट को खा गया, और कुछ दिनों बाद आके अगर आप नोटिस करें तो उसने अपना दोबारा से वो ऊपर का पार्ट रिजनरेट कर लिया। मींस क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टम? पहली बात, ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। मैच्योर टिश्यूज हमने पढ़ा परमानेंट वाले होते हैं, और परमानेंट टिश्यू के पास अपने डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती। अब आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये मैच्योर टिश्यूज है, ये भी मैच्योर टिश्यू है, और ये बीच में मैं दिखा रहा हूं इंटर कैलरी मेरिस्टम। अगर मैच्योर टिश्यूज में कोई टूट फूट हो जाए तो उस टूट फूट को रिपेयर करके दोबारा भरना या उसके रिपेयर करना उसके पार्ट को, उसके लिए सेल का डिवीजन होना चाहिए। तो रिपेयरिंग के लिए जो सेल का डिवीजन होगा वो कौन से वाले मेरिस्टम करेंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टम। कौन इंटर कैलरी मेरिस्टम? वो पर्टिकुलर मेरिस्टम जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है। मैच्योर टिश्यूज में बिल्कुल रिपीट कर दूं, मैंने बोला था ये परमानेंट को बुलाया जाता है। डू नॉट हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन, जब डिवाइड नहीं करेगा तो रिपेयर कैसे कर सकता है? तो इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है वो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर लॉस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के लॉस्ट टिश्यूज को रिपेयर करना ये किसका काम है? इंटर कैलरी मेरिस्टम का। बिल्कुल मैं बता दूं, आप अगर किसी चाकू से इसके अंदर काट दे थोड़ा बहुत स्टेम को या कुछ उसको घाव सा बना दें तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो आके भर गया है। तो ये भरने का काम कौन कर रहा है? इसकी सेल ने डिवाइड करके किया। तो सिंपली क्या बोला जा रहा है कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट मेरिस्टम को आप इंटर कैलरी मेरिस्टम बुलाते हैं, एंड दीज मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर द लॉस्ट टिश्यूज ऑफ द मैच्योर टिश्यूज। तो ये काम करेगा इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो डेफिनेटली रोल क्या हुआ? फॉर रिपेयरिंग। तो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यूज एंड रिपेयर्स लॉस्ट टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ये रोल किसका? इंटर कैलरी मेरिस्टम का रोल आप इसको बोल देते हैं, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम बुलाया जा रहा है बेसिकली। क्लियर? तो सेकंड जो है इंटर कैलरी मेरिस्टम के नाम से आप इसे बुला देते हैं कि इंटर कैलरी मेरिस्टम बुलाया जा रहा है। उसके बाद फिर इसके अंदर आगे आप चले अगर तो लास्ट जो है इसके अंदर मेरिस्टमेटिक टिश्यू में एग्जांपल वो है लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है उसको भी देख लिया। थर्ड, लेटरल मेरिस्टम इसको आप अभी बताया मैंने, सेकेंडरी मेरिस्टम भी बुलाते हैं। क्यों सेकेंडरी मेरिस्टम? बिकॉज रिपेयर्स लॉस्ट, सॉरी, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, तो इन्हें आप बोल देते हैं लैटरल मेरिस्टम। अभी थोड़ा सा इसको समझने की भी जरूरत है। ऐसे बोल रहा हूं मैं कि मान लीजिए सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस जैसे आप पढ़ते हैं, यहां अंदर में चला गया तो यहां पे आपको पता है वेस्कुलर बंडल्स, तो यहां कुछ टिश्यूज होते हैं, ऐसे ही यहां कुछ टिश्यूज हैं कॉर्टेक्स रीजन में, और ये टिश्यूज
बाहर की तरफ और अंदर की तरफ डिवाइड करते हैं। अब आप समझिए, अगर कोई ये इतना हिस्सा है और इसमें कुछ नंबर ऑफ टिश्यूज हैं, लेकिन लगातार अंदर की तरफ और बाहर की तरफ डिवीजन भी आ रहा है, जिससे नए लेयर्स आ रही है, तो ऑल ओवर आप समझते हैं क्या होगा, इसकी गिर्थ इंक्रीज कर जाएगी। तो इसको जो डिवीजन करते रहते हैं लेटरल साइड पे, जिससे प्लांट की गिर्थ बढ़े, नए नए टिश्यूज आए, तो वो करते हैं लेटरल मेरिस्टम, और उससे जो ग्रोथ हुई उसे क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। क्लियर, सेकेंडरी ग्रोथ बुलाया जाता है। और जो ये लेटरल मेरिस्टम है जो कि इंक्रीज करेंगे गर्थ को, इनको आप बड़े सिंपल टर्म में कैम्बियम बुलाते हैं। कैम्बियम जो डिवाइड कर सकते हैं, मैं सिंपल तौर पे बता दूं अभी बेसिकली इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, तो इस कैम्बियम के दो पार्ट होते हैं, एक कोर कैम्बियम और एक वेस्कुलर कैम्बियम। दो टाइप होते हैं, कोर कैम्बियम और दूसरा है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक, कोर कोर वेस्कुलर कैम्बियम आप रफली इसके अंदर बोल देते हैं। इन दोनों को लेकिन अब समझ लेते हैं कि कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम रफली क्या काम करते हैं और किस तरह का काम ये परफॉर्म करें। देखिए बड़ा सिंपल है, पूरा प्लांट, मैंने आपको बताया कि प्लांट में सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है, फिर मैं बोल रहा हूं उसके बाद की लेयर पढ़ा था हमने पहले कॉर्टेक्स होती है, फिर मोस्टली तो एंडोडर्मिस आ जाती है, किसी किसी केस में हाइपोडर्मिस भी होती है, वैसे तो एंडोडर्मिस ही होती है। फिर मैंने बताया था आपको कि इससे आगे आएगा पेरिसाइकल, फिर ये जाइलम और ये फ्लोएम, ऐसे इस तरफ से भी आ रहा है, और सेंट्रल पार्ट को क्या बोल रहे हैं आप, पिथ। क्या है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, जैसे प्लांट है सबसे बाहर एपिडर्मिस चारों तरफ से होगा, फिर अगली लेयर जो आएगी वो आएगी आपकी कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद अगली लेयर आएगी एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, इस तरफ से भी ऐसा आ रहा है। और जब आप इसको अगर रफली समझे तो आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ इस तरह सर्कल में अगर दिखा दूं मैं, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम और ये सेंटर में पिथ, ये रीजन आ गया पिथ। क्लियर, अब होता क्या है कि जो ये जाइलम और फ्लोएम बंडल है, इनके बीच में एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है जो जाइलम और फ्लोएम की बंडल्स की इंक्रीज करेगा गिर्थ। जैसे मान लीजिए पहले जाइलम फ्लोएम 10 थे, अभी 20 कर देगा डिवाइड करके, और साथ में एक पूरा कैम्बियम रीजन प्रेजेंट होता है इस कॉर्टेक्स रीजन में। तो जो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा जाइलम और फ्लोएम की, उनके बंडल्स बढ़ाएगा, उसे वेस्कुलर कैम्बियम बुला रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। तो कहां है, बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स टू इंक्रीज देयर गर्थ और डायमीटर। वेस्कुलर बंडल का नंबर और डायमीटर बढ़ाएंगे वो वेस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है कोर्क कैम्बियम, जो ये कॉर्टेक्स रीजन का, एपिडर्मिस का, एंडोडर्मिस का, वेस्कुलर बंडल को छोड़कर बाकी सारे पार्ट के लेयर बढ़ाएंगे और उनकी गिर्थ बढ़ाएंगे, उन्हें कोर कैम्बियम। तो इंक्रीजेस गर्थ ऑफ ऑल द टिश्यूज
एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल्स, सारे टिश्यूज की गर्त बनाएंगे वेस्कुलर बंडल को छोड़कर, तो उसे आप बोल रहे हैं कोर्क कैम्बियम। तो कैम्बियम लिखा हो, सेकेंडरी मेरिस्टम लिखा हो, लेटरल मेरिस्टम लिखा हो, एक ही बात है। वो डायमीटर बढ़ाएंगे, कैम्बियम के दो पार्ट होंगे, वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल का डायमीटर और लेयर बढ़ाएंगे, कोर कैम्बियम जो आपके उसके अलावा जो बाकी पार्ट है कोर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल इन सब की जो डायमीटर बढ़ाएंगे वो क्या कहला रहा है, वो कहलाएगा कोर कैम्बियम। क्लियर बात है? तो दैट इज अबाउट मेरिस्टमेटिक टिश्यूज और ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन। क्लियर?